अपनी छोटी सी दुकान है, कार रिपेयरिंग का काम है, काम चल जाता है। छोटा सा घर है, घर में 6 लोग रहते हैं, माँ जी थोड़ा बीमार रहती हैं, ले दे के घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। माँ बीमार रहती थी, घर में बहन थी छोटी, भाई था, पापा रिटायर हो गए थे, हालात ऐसे हो गए थे कि मुझे शादी करनी पड़ी। रिश्तेदारी में परिवार पहले से एक दूसरे को जानते थे, इसलिए शादी भी हो गई। परिवार को एक दूसरे को जानने और पति पत्नी को एक दूसरे को जानने में बहुत फर्क होता है। हर लड़की का सपना होता है कि शादी के बाद अच्छा पहनेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। जिम्मेदारी तो हर किसी पे आती है, पर इतनी जल्दी? और हमें कुछ ज़्यादा जानकारी तो थी नहीं, 18 साल के थे जब शादी हो गई थी। अब कुछ पूछना हो तो किससे पूछें? जो 2 पैसे थे वो शादी और मेहमानदारी में लग गए, उसके ऊपर भाई और बहन की फीस का खर्चा, और बाबूजी की पेंशन तो सारी दवा में लग जाती थी। ऐसे में एक और बच्चा, उसकी परवरिश, उसका खर्चा, नहीं। अब हम घर देखते कि बच्चा देखते, बड़ी हिम्मत करके हमने इनसे बात की, वो भी शादी के 3-4 दिन बाद ही। बहुत डर लग रहा था हमें, पर जब हमने इनसे बात की तो ये भी यही सोच रहे थे जो हम सोच रहे थे। हम बड़े खुश हुए। अब हमें तो जानकारी थी नहीं, एक 2 दोस्त से पूछा, लेकिन सब उल्टा सीधा। फिर एक दिन किसी काम से आशा बहन जी के पास गए, उन्होंने पूछा कि तुम्हारी शादी हो गई है, कुछ सोचा? हम शर्मा गए, फिर घर आकर इससे बात की। ये आशा बहन जी से मिले तो आके हमें बताया, हमने कहा आशा बहन जी से चल के हम भी मिल लेते हैं। अम्मा को बताए बिना हम मंदिर जाने के बहाने आशा बहन जी के पास गए। उनके पास गए तो उन्होंने हमें बहुत सारी जानकारी दी। अब जो है कि आशा बहन जी ने हमें सब तरीकों के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, अच्छे से समझा दिया। फिर कहा कि तुम दोनों इस पर विचार कर लो, और फिर जो ठीक लगेगा, कंडोम या गोली, हमसे आके ले लेना। हमने बहुत सोच समझ के विचार किया कि हम गोली खाएंगे, परिवार की जिम्मेदारी हमारी है। पर ये बोले कि ना, परिवार की जिम्मेदारी हमारी है तो हम ही कुछ करेंगे। अब क्या है ना, औरत के पास बहुत काम काज होता है, इस बीच अगर कभी गोली लेना भूल गए तो बस गए, कंडोम पे अपना कंट्रोल है, इसलिए हमें यही सही लगा। और हम पूरे 1 साल तक बच्चे का नहीं सोचे। इस बीच हमने एक कमरा भी डलवा दिया, और हमारा भाई भी काम पे जाने लगा, और तो और हमने अपनी बहन को भी कॉलेज भेज दिया। लोग, अरे शादी के बाद मोहल्ले वाले क्या, परिवार वाले क्या, हमारी अपनी अम्मा भी रोज रोज यही सवाल कि बच्चा कब होगा। अब हमने सबको यही जवाब दिया कि जब पाल पाएंगे तो कर लेंगे, और फिर इनका साथ जो था। अब देखिए ना, जल्दी जल्दी बच्चा होता है तो औरत की सेहत पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है, और फिर कितना महंगाई है। एक बच्चे को भी ठीक से पढ़ा लिखा लिया जाए तो ही बहुत है। हमारे एक बिटिया है, अब एक बच्चा और चाहिए, लेकिन 3 साल के बाद, उसके बाद चाहे लड़का हो या लड़की, बस। अब घर का इतना काम काज हमें अकेले ही करना है, छोटी सी बच्ची भी है हमारी, घर की आमदनी भी सीमित है, भैया की शादी भी करनी है, उनके बाल बच्चे भी होने हैं, ननद की शादी का भी सोचना है, हमें तो अपना परिवार छोटा ही रखना है। हम बहुत खुश हैं। हम सब बहुत खुश हैं।